हेलो व्यूवर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 35। इसके बाकी सारे पार्ट्स आ चुके हैं। रदीन ओटू पार्ट टू नाम है। चैप्टर नंबर 3 ये फ्रैक्शन है। मीन दे नाम इसका नाम है फ्रैक्शन, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में फुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, सब पहले सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पाइल ऑफ बुक, ए पाइल ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज 4 2 बाय 3 सेंटीमीटर हाई। इफ ईच बुक इज 1 1 बाय 5 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अ पाइल। पहले मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा, फिर पश्तो में ट्रांसलेट करूंगा। अ पाइल ऑफ बुक, पाइल ऑफ बुक का मतलब है जब किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हो, ठीक है, कि तो बहुत सारी किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी है। लाइब्रेरी में किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी है और वो ऊपर रखते हुए उसका पुल फुल जो वो ऊंचाई तक गया है, ऊपर तक गया है, उसका उसका हाइट है, उसका लंबाई है जमीन से, जब जमीन पर रखा गया है ऊपर तक, ये है 4 2 बाय 5 सेंटीमीटर। इतनी उसकी ऊंचाई है जितने बुक्स रखे हुए हैं वो है। इफ ईच बुक्स बुक इज 1 1 1 बाय 5 सेंटीमीटर, इसमें हर एक किताब जो है, हर एक किताब जितनी किताबें रखी है वो तो हमें पता करना है कि कितनी किताबें रखी है, पर इस जो किताबें एक दूसरे के ऊपर पाइल करके रखी हुई है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, उसमें हर एक किताब एक 1 1 बाय 5 सेंटीमीटर है, एक सही 1/5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पाइल, इस जे जो किताबें रखी है वंचक इसको कहते हैं, ये किताबें जो दूसरे के ऊपर रखी है इसमें कितनी किताबें हैं। किताबुने दयो बल दपासी खिरी द टूल द जमा के नवाला, किताबुने जमा के दपासी खिरी बे दयो बल दपासी खिरी द जमा के नवाला तर सो पूरी छ बर किताब दे दागे टोटल हाइट दे 14 2 बाय 5 सेंटीमीटर दागे हाइट दे। आर यो किताब छ देखे कम दे आगे दे 1 1/5 दे ठीक छ सेंटीमीटर दे। नो उस दा हुआ तास हुआ हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द पाइल, उस दा हुआ छ टोटल 16 किताबुना दी ठीक छ। एक्सरसाइज 3/4 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3/4 क्वेश्चन नंबर 4, अ पाइल ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज 4 2 बाय 5 सेंटीमीटर, इन ईच बुक इज 1 1/5 सेंटीमीटर थिक, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अ पाइल। किताबों का बंडल, इसको कहते हैं किताबों का बंडल, पाइल ऑफ बुक, टोटल पाइल ऑफ बुक्स होने दे 14 2/5 है टोटल पाइल का बुक है 14 2/5। ईच बुक हर एक बुक, आर योर बुक 1 1/5, हाउ मेनी बुक्स 16 किताबों ने दी, कितने किताबें हैं। पाइल ऑफ बुक्स, ये जो कितने पाइल ऑफ बुक्स किताबों का ये बंडल जो है 14 2/3 डिवाइड बाय तकसीम ईच बुक हर एक किताब के, ठीक है, तो इसका होगा 14 2/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5, इसका आएगा 14 2/5 सही 2/5 तकसीम, ये तकसीम का निशान है 1 1/5। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अवल पे फ्रैक्शन के बदल दो, 14 ज़रब 5 जमा 2, 14 ज़रब 5 इन दोनों को ज़रब करेंगे फिर 2 से जमा करेंगे, 14 ज़रब, ये ज़रब है मल्टीप्लाई निशान है, ज़रब 5 ज़रब जमा 2 और डिवाइड बाय 5, और इसको ये तो अपनी जगह पर आ गया, तकसीम अपनी जगह पर आ गया, 1 1/5 जमा 1 1/5 जमा 1 और 5 अपनी जगह पर आ गया, तो ये आ गया 14 ज़रब 5 से क्या आएगा 70 जमा 2 बाय 5, 70 जमा 2 बाय 5 डिवाइड आ गया अपनी जगह पर, ये देखिए अपनी जगह पर आ गया 5 1 ज़रब 5 5 ज़रब 1 = 5 + 1 5 आ गया, इसका आ गया 72, इसका आ गया 72 बाय 5 ये आ गया डिवाइड 6/5, ये 5 + 1 = 6 आ गया 6/5। अब इसको बदलना है, हमने इसको पूरे को बदलना है,
बदलना है यानी चेंज करना है, बदलना है तो डिवाइड 6/5 बराबर है जरब 5/6। इसको डिवाइड को जरब में चेंज किया, डिवाइड बस जरब के चेंज को, और 6/5 को उल्टा कर दिया, 5/6 कर दिया, और 6/5 में उल्टा कर 5/6 में को नादवाना बराबर शु। ठीक शु, दाउसरा इज इक्वल टू 7/5, 7/5 जरब इसकी जगह होगा जरब 5/6। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से जरब देंगे, नीचे वाले को नीचे से जरब देंगे, बड़ा वाला बा परा जरब से मल्टीप्लाई शी, और लांदे वाला बा लांदे वाले सरा जरब शी मल्टीप्लाई बशी। तो बा 72 जरब 5 हो जाएगा, 72 जरब 5 हो जाएगा, नीचे आएगा 5 जरब 6 आ जाएगा। अब ये जब देखिए तो ये डिवाइड बाय 5 है, डिवाइड बाय 6, 5 ये देखिए 5 1s are 5 और ये भी 5 1s are 5 हो गया, 6 6 1s are 6, 6 12s are 72, 6 जरब 12 इज इक्वल टू 72 आ गया। तो ऊपर आ गया 12 जरब 1 और नीचे आ गया 1 जरब 1। ठीक है, तो ये अगर 12 जरब 1 12 जरब 1 12 आ गया, 1 जरब 1 1 आ गया, तो टोटल आ गया 12। टोटल नंबर्स ऑफ बुक, टोटल कितनी किताबें हैं, 12 किताबें। तो ये टोटल बंडल में, टोटल बंडल में कितनी किताबें हैं, 12 किताबें। टोटल बंडल है 14 2/5 का, हर एक किताब की जो ऊंचाई है वो है 1 1/5, और इसमें टोटल 12 किताबें हैं, टोटल 12 किताबें हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह जी ताआला कामयाब की, अल्लाह आपको कामयाब करे दोनों जहानों में। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्ती हमेशा अल्लाह से कीजिए क्योंकि अल्लाह बेहतरीन दोस्त है। अपनी हर बात अल्लाह को ज़रूर बताइएगा, बात का ज़रूर दुआ करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इस चैनल को आप ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा लाइक्स करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें और फेसबुक पर शेयर करें। और ये हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी। अल्लाह पामान, बजाना ख्याल साथे।